बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज़ लेकर आए हैं वो है SST सेकेंड ग्रेड का RPSC का पेपर, ठीक है। तो इसके आंसर की आप देखते जाइए, आंसर देखते जाइए और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आरोही क्रम है, पहला है बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है डी मिजोरम, फिर है सिक्किम और फिर है नागालैंड। सन 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य था उपरोक्त सभी, यानी कि अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना, भूमि का कटाव तथा अवैध खनन को रोकना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले का है सी बेतवा, का है भोपाल, गोदावरी, त्र्यंबक गांव, पेनार या पिनाकिनी, नंदीदुर्ग पहाड़ी और सोन है अमरकंटक, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो अरावली प्रदेश से संबंधित बैराट भी है, सिरावास भी है, बिलाली भी है, लेकिन जो नाग पहाड़ है ये नहीं है। तो हमें नहीं का जवाब देना था यहाँ पे, तो कौन सा नहीं है? नाग पहाड़। क्वेश्चन नंबर 6। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है, तो NNP को किससे जाना जाता है? राष्ट्रीय आय से। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है, तो उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन यानी कि ΔC/ΔY। यदि मांग की आय लोच एक से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु होगी, कौन सी होगी? एक विलासिता वस्तु होगी। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, मांगी गई मात्रा में विस्तार। सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सरवाड़ और राजमहल गार्नेट के लिए। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं XY की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है, वो है धनात्मक। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है, बजट रेखा के ढाल के बराबर। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? समांतर माध्य। दिए गए समांकों के समूह से मध्य का ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते 2668 4 2 7 9, जिसके मध्य का निकालेंगे तो क्या आएगा? 6। निम्नलिखित में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो वो है बहुलक। निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? वो है पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। निम्न में से किसे विस्तृत मृदा के रूप में जाना जाता है? तो वो है M3। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है, जब साधन कीमतों में वृद्धि होती है के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? लागत प्रेरित कीमत स्फीति। निम्न से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से है? तो कौन सा उपाय है? उधार की अधिकतम सीमा है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है तो ये है नर्क से। निम्न से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
का एक घटक नहीं है, वो है प्रति व्यक्ति आय। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है बजट घाटा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? वो था केरल। निम्न में से कौन सी नीति आयोग के संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? तो नहीं बताना है यहाँ पे, तो नहीं में क्या आएगा? राज्यों के राज्यपाल। राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की? तो वो थे आर्थर बेंटले। इनमें से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो वो है शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन था। किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? वो है डेविड स्टर्न। 29वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। उक्त कथन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, तो गलत कथन है राजनीति के अध्येताओं को नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूल से संशोधित कर देगी। क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति एक सम्मान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है, ये विचार कौन से विद्वान ने दिया? तो ये दिया था हेरोल्ड लॉसवेल ने। अभी कथन है, राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यता और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए, और कारण है राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्य कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित करवाएं। तो अर ब दोनों पृथक रूप से तो सत्य हैं, परंतु ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, यह कथन दिया गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? मार्सिलियो पेडुआ। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो किसने कहा था ये? ग्रेनविल ऑस्टिन। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति की शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। तो मैं के बाद आएगा श्रद्धा पूर्वक। भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? तो ये है 1971 से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्या? क्या कर्तव्य है? संविधान का पालन करने का। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो वो है सरकार के लिए अनिवार्य नीतियां। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे कौन? थे वसुंधरा राजे। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो वो है 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान अंत स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई, कौन से सन में की गई थी? 1965 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इस सूची सूची पर सम्मिलित कीजिए।
राज्य ने 70 के 51 के उसमें प्रयास किए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमें इसको सम्मिलित करना है ए का थर्ड, ए है 51 पर, इसका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी का सेकंड 51 ख राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, सी का फर्स्ट 51 ग का है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी है 51 ग उसका है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य स्तंभ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटन वुड सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था, पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें समाज शासकों और सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गति की में बांटा है वो है कामटे। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, चार विकल्प दिए हुए हैं इनमें से सही की तलाश करना है कि कौन कौन से सही हैं, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 चारों ही सत्य हैं। तो पहला क्या है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा, G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल है, G20 वैश्विक GDP का 85% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। केमाई शॉफ्ट तथा गेसेल शॉफ्ट समाज के दो प्रकार हैं, ये किसने उल्लेखित किया है, तो ये किया है टानिज ने। इसके बाद है 48, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया है, तो वो है चार्ल्स कूले। क्वेश्चन नंबर 49, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वो व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है, ये परिभाषा दी है किम्बल यंग ने। 50वां क्वेश्चन, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है परिवार। 51वां क्वेश्चन, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न संस्कारों की, जिसमें माता पिता की सहमति की जरूरत नहीं होती वो होती है गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, नगरवाद। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है एलेक्स इंकल्स ने, इनमें से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, दिसंबर 9। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग आयु परिवार वर्ग व्यवसाय विवाह उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है प्रस्थिति। मुख्य प्रस्थिति की अवधारणा दी है ET Hiller ने। मुख्य प्रस्थिति की अवधारणा किसने दी है, ET Hiller ने। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है GS धुरे ने। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये किसका कथन है, मेकाइवर एवं पेज का। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी है, ऑस्कर लुइस ने। 61वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, वो है संस्कार। निम्न का सही मिलान करें, पुस्तक का नाम और लेखक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन PH प्रभु, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया,
हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। प्रशासन का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र और वन राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, वुड्रो विल्सन। संस्थानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? भ्रष्टाचार। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? रॉबर्ट और डाहल ने। निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कावत के रूप में अस्वीकार किया था? हर्बर्ट ए साइमन। 67 नंबर का क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये रोथलिस बर्गर ने लिखा कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा का सही क्रम है? पहला है बी जैविक शारीरिक आवश्यकता है, फिर है ई सुरक्षा आवश्यकता है, फिर है सी लगाव और प्रेम की आवश्यकता है, फिर है डी आत्मसम्मान की आवश्यकता है और लास्ट में है ए आत्मसंतुष्टि आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट फॉर्ड विचार का समर्थक नहीं है? वो है लेविस मेरियम। कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीकी के अंतर्गत इनमें से कौन सा नायक बॉस नहीं है? वो है निर्देशन गॉड लिपिक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत भंडार है? वो है व्रत। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विक्टर ब्रूम। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? 1987 में। वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? 20। फ्रांसिस लिंकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? सहभागी समूह। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ किया गया था? ये किया था 2019 में। अम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो बताना है, स्वीडन में। संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट हुई थे? वो है धारा 8 2। प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तत्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संसार लय का कारण है। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? वो है अकर्मण्यता की। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन संबंधित है? तो 1, 2 व 3, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। ठीक है, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो वो है बौद्ध दर्शन। जैन त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वेदों के बारे में सत्य कथन है तो 1, 2 व 4 सत्य है। वेद अनादि और अपौरुषेय है, वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है और वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ संबंधित है देकार्त से। सुकरात के अनुसार सद्गुण है सापेक्षिक। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है कर्तव्य को। वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है लोक ऋण। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। 93 नंबर का क्वेश्चन है, सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है सुखवादी J.S. मिल को। दांत दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है।
सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के अनुसार क्या है? सत्य ही ईश्वर है। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है कांट से। संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य, विकल्पों की उपस्थिति। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है करुणावादी नीति शास्त्र का। सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम का उल्लेख मिलता है? नवा मंडल में। क्वेश्चन नंबर 100, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगति बहुश्रुत समवाय पर बल दिया था, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? वो है 12वां शिलालेख। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य साथी स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? वो है माँ जनक जातक। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी? तो की थी विशाख दत्त ने। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनी कुरुन अवस्थित है? तो ये जूनी कुरुन अवस्थित है गुजरात में। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अलकनंदा जागीर को आरंभ किया था? वो था जहांगीर। निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? कोडाना। निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? लाला लाजपत राय। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? बारदोली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1928 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? वो किया था सिंगापुर में। निम्न में से पद्मावती एवं सुरसिर किसकी शिष्या थी? तो वो शिष्या थी रामानंद की। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है बंकर हिल की लड़ाई, फिर आता है ब्रेडीवाहन की लड़ाई, फिर आता है साराटोगा की लड़ाई और फिर आएगा यॉर्कटाउन की लड़ाई। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, फिर है टेनिस कोर्ट की शपथ, फिर है बास्तिल का पतन, उसके बाद है मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। चौथी फर्स्ट सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा तो नीचे गए रूप का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन 1890 योर फिरोज शाह मेहता। नागपुर अधिवेशन 1891 यह है पी आनंद चालू। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 डब्ल्यू सी बनर्जी। लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समय अवधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित थी? तो वो थी सतारा में। इनमें से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो S.N. सेन। ग्रीनविच तथा थिम्फू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस समय अवधि में थिम्फू में क्या समय होगा? तो उसका समय होगा 6 बजे अपराह्न। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो वो था चूरू। वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? तो वो आई थी 2004 में। इनमें से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रॉट्स्की। महाद्वीपों महासागरों के उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था जेफ्रे ने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है शोक मंडल में। सिरोको स्थानीय पौने पाई जाती है इटली में। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक। किस
क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें दो गलत, तीन गलत है और एक सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की गलत की जगह ये पूछना चाहिए था कि कौन सा युग्म सही है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें तीन गलत है और एक मौरव ऋषि का सत्ता निचली भूपटी तथा ऊपरी मेंटल के मध्य संक्रमण क्षेत्र, ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन रद्द हो सकता है। ये आगे देखते हैं, प्रबल दीवार के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पनपते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन, युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है जलोढ़। में से कौन सी महासागरीय द्वीपों का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? लेब्रेडोर, कनारी, ब्राजील, फॉकलैंड। निम्न से कौन सा विकल्प सामाजिकता अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो योजना बनाना, फिर इस पर क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना और रिपोर्ट बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रायोजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो यहाँ सही तार्किक क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले आएगा परिस्थिति देना, उसके बाद आएगा प्रायोजना का चयन, फिर आएगा प्रायोजना की योजना बनाना, फिर आएगा प्रायोजना का क्रियान्वयन और फिर आएगा प्रायोजना का निर्णयन। क्वेश्चन नंबर 134, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वास्तविक, प्रत्यक्ष, अनुभव। इसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है, वंश क्रम चार्ट। इसी सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प उपरोक्त उल्लेखित गुणों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा के विशेषज्ञों और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो वो है फिल्म स्ट्रिप। ACF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना है तो हर्बर्टियन उपागम का सोपान नहीं है? तो वो है खोज करना। हर्बर्ट में प्रस्तुतिकरण भी, तुलना संबंधी सामान्यीकरण भी है, खोज करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो है, इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये नहीं है, नहीं बताना है इसमें। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे। इसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में साधन है जिससे कि वो पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, तो ये कहा था कनिंगम ने। निम्नलिखित से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो उत्तर के चयन में अनुमान संभव, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव। निष्पत्ति परीक्षण है तो नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उद्देश्यों का अंक भार, विषय वस्तु का अंक भार, ठीक है, केवल अ एवं भ। विद्यालय में हुए कुछ छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मूल्यांकन। में कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? तो वो है अंतर्गणना।
एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो जाता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला। क्वेश्चन नंबर 149। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है बहुपक्षीय सहसंबंध। इसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसके सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। जून बी माइकलिस। हमारे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 150 क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताए गए हैं। फिर कुछ नए और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।